तो फाइनली शिमला पहुंच गए हैं। बट बिफोर वी डाइव इनटू आवर शिमला एडवेंचर, लेट मी टेक यू बैक टू वेयर इट ऑल बिगिंस। हमारी जर्नी की शुरुआत यहाँ दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली, द हार्ट ऑफ इंडिया, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। सो ये शॉपिंग डन, और ये मैंने डीकैथलॉन से जैकेट लिया है, और ये इतने शूज लिया है, और कुछ ने भी जैकेट और एक और कुछ लिया है। हम गए थे प्रीत विहार वाले डीकैथलॉन में, पर वहाँ पे कुछ मिला नहीं, और मेरी हालत ऐसी हो गई कि यार जब से भाग ही रहे हैं कि चलो चलो चलो, अब जाके फाइनल डन हुआ है। तो अब यहाँ से चलते हैं और मॉल में। तो भाई मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरे को जितना भी था वो सब जल्दी करना था, नहीं तो बहुत लेट आए थे। तो अभी का सीन ऐसा कुछ है, अभी बज रहे हैं रात के, एक ढाबे पे रुके हैं जब से शिमला जा रहे हैं, और चाय पिए तब जाके अच्छा लगा। इससे पहले जो चाय पी थी वो तो बिल्कुल ऐसी थी कि यार पूछो मत कि चाय नहीं गर्म पानी हो, बट अभी चाय अच्छी थी। ये जर्नी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से सोते हुए जाना है, कल मिलते हैं शिमला में। हेलो गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज प्रशांत जी, ऑल ऑफ वाचिंग यूट्यूब चैनल प्रशांत जी, सो वेलकम बैक टू चैनल। और ऐसा है कि सन उस साइड, इसलिए मेरे को ब्लॉग इधर से करना पड़ा, आँखें नहीं खुलेगी। सो गाइस, ये है वसीम भाई, हमारे ट्रिप कैप्टन। एंड वसीम भाई, कैसा क्या रहेगा एक्सपीरियंस आगे का मेरे को बताओ। ब्रीफिंग के टाइम। ओके, सो अभी सबसे पहले लगेज चढ़ा देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, और यहाँ से व्यू देखो कितना सही है, लाइक इधर से उधर से सब जगह से व्यू बहुत सही है। Hi everyone, my name is Vasim Bobe. I'm from Mumbai. As a profession, I'm a travel photographer. Today's terrain is all rough roads, but and good roads. We are going ahead to Chitkul, but we halt at Sangla before 30 kilometers before Chitkul, and then we can just stay up there tonight. जो luxury life जी रहे हम पीछे नीचे sea side या कहीं पे भी हम जी रहे थे, please भूल जाओ यहाँ पर, क्योंकि टेरियन डिफरेंट है एंड वी आर हेयर फॉर स्पीति एक्सपीडिशन। सो जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जब मिल रहा है, कैरी ऑन इट, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे सबको। फैमिली सब नीचे रह गई है फिलहाल, हम और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, वेट हो रहा है, ठीक है। विल बी अराउंड 15,000 ऑक्सीजन लेवल एंड थोड़ा वो सब डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट है वो, पूरा वाइट डेजर्ट है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच वन। आज का जो हम जा रहे हैं सांगला, which is somewhere around 240 kilometers, so we'll be take around 8 hours to 9 hours. Let's see how we reach and enjoy the journey. So अभी हम रामपुर में, और रामपुर में लंच करने के बाद अब यहाँ से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। टाटा स्काई भी है वहाँ यार, भाई हमें पिकअप करने आ गए। भाई ठंडी लग रही है, तुम बिना कैप वैप के घूम रहे हो। मैं अभी तक अंदर था, अभी गर्म हूँ। अच्छा, अभी कितना होगा भाई, इस गाड़ी पे भी कितनी स्नो जम गई, कल सुबह देखना अभी तो। अरे अभी से मैं डरा हूँ भाई साहब, यहाँ से कितनी स्नो दिख रही है, सारी स्नो वही सारी फ्रेश है। कोई बोलेगा मेरे को ठंड लग रही है, कौन सा वाला है ये अभी का? भाई साहब हालत ऐसी हो रही है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी भाई, बहुत ठंडी बिल्कुल, हाथ कांप रहे हैं, और यहाँ पे बर्फ दिख रही है। भाई लगेज उतरवाओ, मैं पहले इस बैग को रख के आता हूँ, फिर आगे चलते हैं। और ये फ्रेश नो, और कितने ठंडे हो गए, और ये पैर स्लिप हो रहे हैं इस पे। अभी ये अभी अभी ये जम अभी, है ये अभी भरा, हाँ अभी जम रहा है ये। अरे तिरकी। सो ये हमारा रूम है, और यहाँ पे पानी की बाल्टी रख रही है भर के। देखो पानी ये नहीं जमा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये, पर उधर बाहर वाली जम चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं गेट लगाता हूँ, चलो। हाँ, सो वी आर जस्ट हैविंग आवर डिनर, और वसीम भाई सर्व करते हैं।